नमस्कार दोस्तों, और एसएससी का एक बड़ा जबरदस्त नोटिस है जिसमें सीएचएसएल 2022 का टीयर वन का रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट में दोस्तों बड़ी जबरदस्त कट ऑफ गई है, बहुत हाई कट ऑफ है, और आज तक अभी इतनी नहीं गई और आगे ऐसे ऐसे कट ऑफ बढ़ती जाएगी। अब आपको तैयारी और भी जबरदस्त करनी होगी, बहुत जबरदस्त नॉलेज लेनी होगी, तब जाकर के होगा। पूरी डिटेल आपको आदित्य रंजन सर बताएंगे कितनी कट ऑफ गई, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई, बाकी चीजें आदित्य रंजन सर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, काफी भारी संख्या में बच्चों ने इस बार पेपर दिया था, और इस बार सीएचएसएल का थोड़ा बहुत जो नुकसान हो गया वो पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट को सीजीएल में ऐड कर दिया गया, इस वजह से मेरे भाई सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसका जो प्रभाव रहा ना वो वैकेंसी के ऊपर भी हो गया। पहले जो भारी संख्या में वैकेंसी होती थी वो मेरे भाई इस बार थोड़ी वैकेंसी की संख्या कम हो गई, क्योंकि जो ये वैकेंसी सीएचएसएल में ऐड होनी थी वो सीधा का सीधा सीजीएल को ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ से वो लोग कट आउट हो गए। अब कट आउट हो गए तो मेरे भाई क्या होगा, जो नॉर्मल तरीके से जो हर बार कट ऑफ जाता था वो नहीं गया, और इस बार अगर आप देखोगे तो बवाल कट ऑफ है मेरे भाई। बोल रहा हूँ ना, बवाल कट ऑफ है। मतलब आप जनरल को देखो 157.72, आप एससी का देखो 135, एसटी 125, ओबीसी 153। ठीक है, बच्चे बहुत बार क्लास में पढ़ाते वक्त बोलते थे कि सर एक बार बता दीजिए ना कट ऑफ कितना जाएगा। हम शुरू से मेरे भाई हमेशा एक बात बोलते थे कि मैक्सिमम नंबर के लिए प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर का जो टारगेट लेके चलिए, कट ऑफ वट ऑफ मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 130 का माइंडसेट लेके चलेंगे और 140 आ गया ना, आप वहीं पर खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जो माइंडसेट लेके चलिए ना, वो हमेशा 160 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए प्री में। अब सोचो यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर हो गए, क्वालिफाइंग इन नेचर का धुन लेके बैठे हुए थे। अरे प्री तो क्वालिफाई का है, क्या टेंशन की बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मेंस में तगड़ा फोड़ेंगे। प्री में ही बाहर हो गए, मेंस में कैसे फोड़ लोगे भाई। और इतने ज्यादा कट ऑफ होने के बावजूद भी आप कंपटीशन का लेवल देखिए, 40,000 बच्चों को जो है यहाँ सेलेक्ट किया गया है, इस बात को समझिए आप। और अगली बार तो वैकेंसी और कम है, 1600 के करीब में। अब 1600 के करीब में लगभग हमारी वैकेंसी है, तो 1600 के करीब में अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कहानी होने वाली है, आप सोचिए जरा 1600 वैकेंसी में क्या सिचुएशन होगी। इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ और ज्यादा जाएगा। तैयारी थोड़ी ढंग की करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। कल जो मैंने स्ट्रेटजी की 1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, उस पूरे के पूरे वीडियो को तरीके से देखिए, समझिए कि क्या और बेहतर आप कर सकते हैं और किस तरीके से इसका जो है आप यहाँ तोड़ निकाल सकते हैं। बाकी हमेशा मेरे दिल से दुआ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग बहुत कामयाब बनो और बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाओ। मेहनत करते रहो मेरे भाई, धन्यवाद।